ऐसा ही मंजर मुंबई के अन्नाभाऊ साठे नगर का है, जो कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं होने के कारण वहाँ के लोग बहुत परेशान है। आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती है जो सब कुछ हो रहा है? इधर खुजली आता है, हाँ। और छिकल आता है, मलेरिया आता है, कितना बीमारी गिरता है। बारिश में पानी आता है, अंदर घर में पानी भरता है, हाँ। बच्चे लोग स्कूल नहीं जाना जा पाते है। हर दमन बुखार, हाँ। मलेरिया, हाँ। और टाइफाइड, कनकनी, यही सब होता है। मुझे बताइए बेटा, ये आपको फूड़ी कहाँ से आए? पानी की वजह से ये बच्चा स्कूल को नहीं जाता, पांचवी पढ़ता पानी स्कूल को नहीं जाता। क्यों नहीं जाता स्कूल को? बोलता है पानी में मैं नहीं जाऊंगा, ये गंदगी लेके मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को टीचर सर मारेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कपड़ा गंदा हो जाता, मैं नहीं जाऊंगा। जो पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, इसके लिए आपने क्या किया है? ये बावड़ी हम लोग। कौन सी? ये बावड़ी आपने किस लिए बनाई है? ये पानी का प्रॉब्लम है ना हम लोग को, हम लोग इधर उधर जाते तो पानी नहीं मिलता, तो इसके लिए हम लोग बनाए कपड़ा बर्तन धोने के लिए। ये भी अच्छा पानी नहीं, गंदा पानी है, तभी भी हम लोग करते काम। बच्चों लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आते है? बच्चे आए दिन बीमार है, किसी को बुखार मलेरिया आए दिन, डॉक्टर को पता कर लीजिए, यहाँ के डॉक्टर लोग को यहाँ के कितने रिपोर्ट जाते हैं, ये गंदगी की वजह से, ये जो बारिश का पानी जमा रहता है। तो पानी जाने के लिए रास्ता कहाँ पे है? रास्ता है, वो गटर है, हम ही लोग गटर बनाए हैं, हाँ। कोई आया नहीं बनाने वाले। ये पानी जा क्यों नहीं रहा है नाले में? अभी क्या है, वो पानी में नाला छोटा है ना, अच्छा। अभी गटर वो छोटा है, हाँ। जितना उसको जाने का था चला गया पानी। तो यहाँ पे बीएमसी है, यहाँ के नगर से वो आमदार कोई आके यहाँ पे देखता है? आता ना महानगर पालिका वाले आते हैं, ना कोई साफ सफाई वाले, ना मच्छर मारने वाले, कोई नहीं आते हैं, जो करते हैं हम ही लोग करते हैं। साइकिल वाला जीता था, बोले थे क्या इधर से होगा, ये बदला आएगा, पानी का रास्ता बनाएंगे। बहुत सारे वोटिंग जब आती है तब तो वोट लेने सब आते हैं, जब वोटिंग चला जाता है तो कोई नहीं आता इधर। आप स्कूल जाते हो? हाँ। और कैसे जाते हो स्कूल? रोज यही पानी से जाते हो? हाँ। मुंबई में ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ है जो इन परिस्थितियों का सामना। ये लंगड़ी है। ना नोटीस देता अचानक या लोकांनी झोपड्या तोडण्यास सुरुवात केली, ना रहिवाशांना सामान काढू दिलं नाही, त्या मारण चालू केले, रहिवाशांच्या भांडी कुंडी सगळे संपूर्ण कापडा बिपाडा सगळं तोडून खाक झाले। तुम्हाला कुरूप जर बघायचं असेल तर आम्ही दाखवायला तयार आहे, आमच्या पाशी दुनियाचे कुरूप पडलेत, पण ते मागत नाहीत, आम्हाला दाखवा म्हणत नाही, गावा बरोबर किडे बी रगडल्या जातात। मुली चौकी जरी इथे येते तर पोलीस चौकी मध्ये जाऊ शकणे काय बताडाला बोलणार का? सरकार को कैसा समज में आ रहा है क्या मालूम, सरकार तो बिल्डिंग में बैठते है, आपण तो इधर झोपडपट्टी में है, तो संडास गंदगी है।